नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव आज आपके सामने 2 बजे उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग काफी एंगेज रहते हैं और काफी टीचर पढ़ाते हैं, उस समय आप प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं और काफी बच्चों का ये था कि सर आप थोड़ा टाइम चेंज कर लें, तो मुझे भी लगा कि अनावश्यक उस समय पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे पढ़े ही ना तो उस समय पर आकर के पढ़ाने से कोई मतलब नहीं था। तो मैंने आप समय चेंज कर लिया है, सुबह 8 बजे से और 2 बजे से, ये 2 मेरी क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पर, तो आप लोग इसमें आकर के जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक सेशन होगा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो टर्मिनोलॉजी से है, यानी कि जो आपके साइंस में जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो वन वर्ड में होती है, उनको आपसे पूछ लेता है कि ये टर्मिनोलॉजी किस चीज के लिए होगी। तो बहुत इजी में जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उन टर्मिनोलॉजी को आज स्टार्ट करते हैं और एक एक इसमें बहुत सारी आपको पता होंगी पहले से, लेकिन उनको भी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए, दोबारा से आप उसको समझ लें कि क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होगा। जिन लोगों ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो उसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि उनको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एसेस उनको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाए। जल्दी से आप इसको डाउनलोड करें, जिससे कि आप यहाँ पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरे अभी ऐप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं और मेरे अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है वहां से भी जुड़ जाएं, जिससे कि उनको मेरे आने वाले सारे क्लासेस के बारे में पता चल जाए। दूसरी चीज आपको यहाँ पर है, फीस बढ़ने वाली है। प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स, आइकॉनिक की फीस नहीं बढ़ रही है, लेकिन प्लस की कोर्स बढ़ने फीस बढ़ने वाली है। अभी 44,000 का है, तो इसको अगर आप लेते हैं तो ये अभी अगर आज ले लेते हैं 24 तारीख तक, तो आपका रेफरल कोड के साथ ये आपका 10% को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका 47 ये आपका जो प्लस का है ये आपका 39,000 का पड़ जाएगा, और अगर 1-2 साल का आप लेते हैं तो 57,600 का पड़ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक आज का है आपका महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, और वो टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक को देखते हैं टर्मिनोलॉजी को, कि क्या होती है वो, और उसके बारे में आप लोगों ने पहले से भी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको बताऊं और उसमें से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको समझें, अगर कहीं से आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आता है होलोग्राफी, एक शब्द मान लीजिए आपके सामने आ जाता है होलोग्राफी, होलोग्राफी। अब इस शब्द से आप क्या समझेंगे, होलोग्राफी से आप क्या समझेंगे? तो यहां पे आप ध्यान देना है कि यहां पे लेजर किरणों द्वारा जो लेजर होती है, अब आप कहेंगे लेजर क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आगे बताएंगे हम, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का 3D चित्र प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। और आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें देखिए बुक्स वगैरह में क्या होता है, होलोग्राम मार्क लगा होता है, होलोग्राम लगा होता है, आपने देखा होगा हर चीज पर जो है होलोग्राम लगा होता है। तो होलोग्राम अगर एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चन आ सकता है कि होलोग्राम में कौन से लाइट का यूज करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेजर का यूज करते हैं। लेजर के द्वारा हम किसी भी, लेजर के द्वारा हम किसी भी वस्तु का जब 3D उसका इमेज प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। और जो बन के आता है वो क्या कहलाता है, वो आपका होलोग्राम कहलाता है, होलोग्राफी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ लेजर का भी समझ लीजिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ तो बताइएगा, लेजर का लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टीमुलेटेड इमिजन ऑफ
इमिजन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे लाइट यानी कि विजिबल लाइट का यूज करते हैं। और वहीं पर अगर हम मेजर्स आपसे पूछ ले, एम ए एस ई आर क्या होता है, मेजर क्या होता है, तो मेजर क्या होता है, एम की जगह एल लाइट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइक्रोवेव कर देंगे। यानी कि जब हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम लोग मेजर कह देते हैं। और अगर हम लाइट यानी कि विजिबल लाइट का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन। आपको पता होगा कि हम दो तरह की लाइटों का, एक अल्ट्रा वायलेट होती है, विजिबल होती है, और आपकी इंफ्रारेड होती है, और आपकी माइक्रोवेव्स होती है, इसके बाद आपकी रेडियो वेव्स हो जाती हैं। तो अगर हम विजिबल रेज का यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लाइट इमेजिंग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, और अगर माइक्रोवेव वेव का यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो होलोग्राफी आपसे पूछ सकता है क्या होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा टॉपिक जो आपसे पूछ सकता है वो आपका क्या है, यहाँ पे एक और हाइड्रोडायनेमिक्स शब्द आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स। अब देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है, जल होता है, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, गति होती है। तो जल एग्जैक्टली यहां पर किस शब्द के लिए आया है, द्रव के लिए आया है, लिक्विड के लिए आया है, यानी कि लिक्विड के मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। यानी कि गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब एवं उसकी ऊर्जा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी गतिशील द्रव है, कोई भी फ्लूड फ्लो कर रहा है, जिसको हम वेंचुरी मीटर में नापते हैं, जिसको हम किस में नापते हैं, अभी आगे वही बताएंगे, जिसको हम लोग वेंचुरी मीटर में नापते हैं, तो फ्लो करते हुए लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है, कितना वो बल लगा रहा है, और उसकी एनर्जी कितनी है, किस एनर्जी से फ्लो हो रहा है, इन सब के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। तीसरा शब्द आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है। देखिए ये सब अगर आपको पता रहेंगे तो आने वाले समय में जब आप मेंस की तैयारी करोगे या आप और हाई लेवल पर आप जाओगे तो आपको टर्म की दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, एक शब्द से आप समझ जाओगे किस चीज की ये बात कर रहा है, हाइड्रोफोनिक्स। अब देखिए हाइड्रो आप समझ गए यहाँ पर जल से संबंधित है, और फोनिक का मतलब क्या होता है, ध्वनि होती है, यानी कि ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का हम लोग अध्ययन करते हैं, जल ध्वनि विज्ञान से कह देते हैं। ध्वनि तरंगों के द्वारा जल के नीचे की स्थिति के अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोफोनिक्स कह देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर एक शब्द और आता है, हाइड्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हाइड्रो मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे द्रव हो जाता है या वाटर के रूप में, हाइड्रो कहाँ पे होगा, लिक्विड होगा, यानी कि वाटर, इसका मतलब वाटर होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर ध्रुवों में बल, दाब व उसके प्रभावों का अध्ययन, जैसे हाइड्रोडायनेमिक का इसमें उल्टा हो जाता है। हाइड्रोडायनेमिक में क्या है कि बहते हुए जल का या बहते हुए द्रव का प्रेशर, बल और उसका जो है एनर्जी का अध्ययन करते हैं, जबकि ठहरे हुए द्रव में हम उस समय क्या करें, प्रेशर, एनर्जी और उसका फोर्स को अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। क्या कहेंगे उसको हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक कहेंगे। ठहरे हुए द्रव का हम लोग क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोस्टैटिक कहेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। सभी लोगों का स्वागत है। प्रियंका जी हेलो सर, प्रियंका सर कब क्लास स्टार्ट हुई बेटा, 2 बजे स्टार्ट हुई है ये। राज यादव जी स्वागत है आपका, नमस्कार राज यादव, नमस्कार। मेंस ओरिएंटेड क्लास, शिवांगी तिवारी जी।
शिवांगी तिवारी जी सर प्लीज रिप्लाई, मेंस ओरिएंटेड है बेटा, आज मेंस ओरिएंटेड नहीं है, मेंस ओरिएंटेड हम लोग कल से टॉपिक लेकर के आएंगे, है ना। हर वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, अभी आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज से हम लोग अभी आपको बस जनरल चीज बता रहे हैं, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग कल से डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे 2 बजे, तो उसमें भी आप लोग रहिएगा। और आज हम लोग इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब हो गया, हाइड्रो कहीं पर आएगा तो पानी संबंधित होता है और या लिक्विड संबंधित, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर इनर्जी इसको आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोस्टेटिक हो जाता है, एक होता है ध्यान रखिएगा यहां पर, हाइड्रोस्टेटिक के बाद एक होता है काइनेस्थेटिक, ये सब ध्यान रखिएगा। काइनेस्थेटिक ये टर्म कुछ याद रखिएगा, अगर आ गया तो सर मेंस के क्यों करवा ये क्वेश्चन करवाओ, हेलो बेटा कल से मेंस करवाएंगे, ठीक है कल से मेंस करवाएंगे, आज हम इसको आपको जनरल चीज बता रहे हैं, कल से हम लोग इसको मेंस में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे। काइनेस्थेटिक्स, लेकिन ये टर्म अगर आपको याद रहेंगे तो कहीं कहीं भी मान लीजिए कि आपको एक टर्म लिख देंगे मेंस में तो आपका क्या हो जाएगा कि काफी लंबा चौड़ा शब्द आपको नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कहां कैसे आप यूज कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। तो काइनेस्थेटिक यानी कि काइनेस्थेटिक क्या होता है, इसको इसका मतलब होता है शरीर की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे मान लो आप निबंध लिख रहे हो उसमें काइनेस्थेटिक लिख दिया तो ये बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपका काइनेस्थेटिक कहा जाता है। ये आपको जानकारी भी आपको इसको जानना भी चाहिए। तो मान लो आप किसी से कहते हैं बॉडी लैंग्वेज तो कह दो आपकी काइनेस्थेटिक सही नहीं है, तो काइनेस्थेटिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, है ना, उसके अध्ययन को, बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी तो ओरो का मतलब होता है, कहीं पर अगर ओरो शब्द आ गया है तो उसको आप समझिएगा पर्वत की बात कर रहा है, माउंटेन की बात कर रहा है, और लॉजी मतलब क्या हो गया, अध्ययन का, यानी कि पर्वत की उत्पत्ति उसकी संरचना उसके विकास के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। तो ओरोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के जो ओरिजिन है उसका स्ट्रक्चर है उसका जो डेवलपमेंट है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं, ओरोलॉजी कह देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला टर्म आपको ध्यान रखना है सेलिनोलॉजी क्या होता है, तो सेलिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की संरचना, बिल्कुल सेलिनोलॉजी चंद्रमा की संरचना उसकी गति व इसकी स्थिति, ध्यान रखिएगा चंद्रमा की संरचना उसकी गति और उसकी स्थिति के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। सेलाइन मतलब चंद्रमा से संबंधित होता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा सेलिनोलॉजी कहा जाता है। और एक शब्द और ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबरनेटिक्स, ये आपके मेंस का टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक दे दिया, साइबरनेटिक्स क्या होता है, ये शब्द आपका मेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज साइबरनेटिक्स, इसको आपको ध्यान रखिएगा साइबरनेटिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा साइबरनेटिक्स का मतलब होता है विभिन्न सिस्टम जो होते हैं, विभिन्न सिस्टम में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण व क्रियात्मक
क्रियाविधि का अध्ययन कहता है साइबरनेटिक्स। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि साइबरनेटिक्स होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये मेंस के लिए है। विभिन्न तंत्रों में, याद रखिएगा, विभिन्न तंत्रों में हो रही, विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं या नियंत्रण व क्रियाविधि के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइबरनेटिक्स कहते हैं। तो साइबर, बिल्कुल दो शब्द मिलकर बना है। साइबर का मतलब क्या हो जाता है, नेटिक्स। तो विभिन्न तंत्रों में, कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने भी आपके सिस्टम लगे होते हैं, वो जो एक साथ काम करते हैं, उनको नियंत्रित करने का उनके मगर साइबर नेटिक्स कहा जाता है। यानी इंटरनेट आपके जो होते हैं, वो किस प्रकार से आपस में तंत्र बना करके काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, साइबर नेटिक्स कह देते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट है, वो आपका है ट्राइबोलॉजी। ये भी आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्राइबोलॉजी क्या होता है, ट्राइबोलॉजी, TRYBOLOGY, ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी क्या होता है, तो ट्राइबोलॉजी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिवली मूविंग कोई भी सरफेस है, सरफेस पर कोई भी रिलेटिव मोबिलिटी हो रही है, उसके मध्य लगने वाले बल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइबोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई भी दो वस्तुएं क्या है, एक सतह पर, सरफेस पे चल रही हैं, और उनके बीच में जो बल लग रहा है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइबोलॉजी कहा जाता है, ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। और एक शब्द और याद रखिएगा, हायरोलॉजी क्या होता है, हायरोलॉजी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, समय के मापन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हायरोलॉजी कहा जाता है। समय के मापन के अध्ययन को क्या कहते हैं, हायरोलॉजी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला होता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसको ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स होता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, अतिसूक्ष्म कणों की गति व व्यवहार का अध्ययन करना। अतिसूक्ष्म कणों की गति एवं उसके व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत उसको रखा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपको बना के रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अब देखेंगे। तो एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या है, एक्सीलरोमीटर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सीलरोमीटर यानी कि ये क्या करता है, त्वरण को मेजर करता है। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है। यानी कोई अगर वाहन गतिमान है, और उसकी गति और बढ़ा दी जाए, जो गतिमान वाहन में अगर कोई गतिमान होगा तभी उसमें त्वरण होगा, और अगर त्वरण उसका है, यानी कि त्वरण मतलब क्या है कि उसकी गति और बढ़ गई है, तो अगर किसी भी गतिमान वस्तु की वेलोसिटी, वेग, इस वेलोसिटी जो होती है, वेग की गति को जो इंक्रीज हो गई है, उसको मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सीलरोमीटर का यूज करते हैं। तो एक्सीलरोमीटर द्वारा हम किसी भी वाहन की त्वरण को मापा जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है, बताया था आप लोगों को,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी कि एकांक समय में सब वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो होता है ये अल्टीट्यूड शब्द से बना हुआ है। अल्टीमीटर जो है वो अल्टीट्यूड शब्द से बना हुआ है, अल्टीट्यूड शब्द से, और अल्टीट्यूड का मतलब होता है तुंगता। तुंगता का मतलब होता है कि समुद्र तल से वो ऊंचाई कितनी है, किसी भी वस्तु की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र हो सकता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को हम लोग किससे नापते हैं, अल्टीमीटर से नापते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वायुदाब में होने वाली कमी के आधार पर यह कार्य करता है। ये कार्य कैसे करता है, जैसे जैसे वेलोसिटी आएगा, फोर्स नहीं आएगा, फोर्स अपॉन टाइम नहीं होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, फोर्स नहीं होता, बिल्कुल। तो इसमें क्या करता है, ये अल्टीमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते हो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो घटता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है, उसी के आधार पर आपका ये काम करता है अल्टीमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है एनीमोमीटर या अमीटर, इसको है अमीटर, अमीटर इसको ध्यान रखिएगा। अमीटर क्या होता है, तो अमीटर जो होता है ये भी पूछा गया है, जो पूछे गए हैं उसको मैं क्लिक कर दे रहा हूं। एक तो अल्टीमीटर आपसे पूछा गया है, अमीटर आपसे पूछा गया है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की तीव्रता को नापता है, मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो को किससे नापते हैं हम लोग, एम्पियर से नापते हैं, और उसकी तीव्रता को किसमें नापा जाता है, अमीटर से नापा जाता है। तो यानी कि करंट को हम लोग किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, और अमीटर क्या होता है कि इससे हम विद्युत धारा की तीव्रता को नापते हैं। तो विद्युत धारा की तीव्रता को हम लोग किसमें नापते हैं, अमीटर से नापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापते हैं हम लोग, अमीटर में मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है एनीमोमीटर। एनीमा शब्द जो होता है ये एयर के लिए आता है, कहीं पर भी एनीमो आ गया है ये मतलब एयर के लिए है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा गया है। इसमें क्या कहते हैं, बहते हैं, हाँ यूपीएससी में ही पूछे गए हैं ये सब, ये मैचिंग में भी आए हैं, ये यूपीएससी में ही पूछे गए हैं, मैं जो बता रहा हूँ यूपीएससी का बता रहा हूँ। एनीमोमीटर में क्या है आपका, ये बहते वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है, यानी कि जो हवा बह रही होती है वो किस स्पीड से बह रही है उसको हम किसमें नापते हैं, एनीमोमीटर में। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर के द्वारा हम क्या कहते हैं, बहते हुए हवा को मेजर करते हैं, यानी कि विंड की स्पीड को हम लोग किसमें नापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विंड की स्पीड को नापते हैं। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर देखिए ये वायुमंडलीय, ये वायुमंडलीय दाब मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अचानक से अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी स्केल कम हो जाता है, अचानक से यदि बैरोमीटर का स्केल कम हो गया है ये क्या शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा अचानक से यदि बैरोमीटर का स्केल कम हो जाता है इसका मतलब वहां पर तूफान आने वाला है। तो जब तूफान आने वाला होता है, जब चक्रवात आने वाला होता है, उस समय बैरोमीटर का स्केल अचानक से घट जाता है, तो यानी कि वहां का प्रेशर क्या हो गया है, अचानक से घट जाता है, कुल मतलब इसका ये हुआ। तो ध्यान रखिएगा बैरोमीटर से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर कहीं का बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाता है तो ये क्या संकेत करता है, बारिश होगी, सर हमने ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली,
हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया टीचर ने। ओहो कोई बात नहीं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पढ़ा दूंगा अच्छे से, परेशान मत होइए, है ना। तो बैरोमीटर जो होता है ये अगर अचानक से गिर जाएगा, साइक्लोन की आंख होती है, आपने पढ़ा होगा आई ऑफ साइक्लोन होती है ना। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, है ना, आपका एक जो आपका देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, है ना, सब ट्रॉपिकल होते हैं, तो वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है इसमें बैरोग्राफ, इसको आपको ध्यान रखना है। बैरोग्राफ क्या होता है? तो बैरोग्राफ को आपको ध्यान रखना है कि जो स्केल में जो परिवर्तन हो करके जो लिख करके आता है पाठ्यांक, उसको क्या कहते हैं? बैरोग्राफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बैरोग्राफ कहा जाता है। अगला होता है बोलोमीटर, ये याद रखिएगा। बोलोमीटर क्या होता है? उष्णकटिबंध, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बोलोमीटर। तो बोलोमीटर में क्या मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो होता है उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, खास करके आपकी अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई और माइक्रोवेव, ये रेज जो आती हैं उनके रेडिएशन को किसमें मापा जाता है? बोलोमीटर से नापा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। बोलोमीटर जो होता है ये आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है जो आपसे पूछ सकता है, कैलिपर्स। क्या पूछा है? एक मिनट रुक जाइएगा, प्रियंका जी ने, सर एक मिनट, सर ये बताइए साइक्लोन की आईज सभी साइक्लोन में क्यों नहीं होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइक्लोन में जो होती है वो इसका आंसर कोई बताएगा कि सभी साइक्लोन में आंख क्यों नहीं बनती है? सभी साइक्लोन में आंख क्यों नहीं बनती है? कौन बताएगा? जल्दी से आंसर दीजिए इसका आप लोग, फिर मैं बताऊं। बताओ जल्दी बताओ। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोगों को, मैं अभी आपको अपना वो दे देता हूँ टेलीग्राम लिंक, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो इसका आंसर ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिएगा कि जो आंख होती है एग्जैक्टली जो आपकी
जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं उसी में जो है चक्रवात बनते हैं, ट्रॉपिकल वाले में, उष्णकटिबंधीय वाले में, क्योंकि इसमें क्या होता है जो आपका जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, काम एरिया जो होता है, शांत एरिया जो होता है, वो कम से कम 20 से 35 किलोमीटर का एरिया में होता है। ये काम एरिया होता है, यानी कि जो इसका शांत एरिया होता है वो बीच का 20 से 25 किलोमीटर में होता है, और यहाँ पर जो होता है इतने एरिया में लो प्रेशर होता है, और यहाँ चक्रवात जो होते हैं वो यहीं से उठते हैं ऊपर की ओर, तो बीच वाला एरिया यहाँ पे क्या रह जाता है, शांत रह जाता है। जबकि अन्य जो चक्रवात बनते हैं उसमें जो ये जो काम एरिया होता है ये बिल्कुल नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, तो वहां पे चक्रवात बनने की संभावना, आई बनने की संभावना एकदम से कम होती है। ये एक मेन रीजन इसका है कि वहां पर जो जहां पे प्रेशर डेवलप होता है लो प्रेशर, वो लो प्रेशर क्या होता है कि बीच में काम एरिया डेवलप कर देता है, बहुत बड़े एरिया में 20 से 25 किलोमीटर के आसपास जो है वो काम एरिया डेवलप कर देता है, उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, आई बन जाता है, बिल्कुल एयर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है और काम एरिया हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर चक्रवात बनते हैं। बाकी जो बनते हैं वहां पर इतना कम एरिया, इतना ज्यादा एरिया न होने के कारण वहां पर आई नहीं बन पाती है। मेरे ख्याल से ये है ना, और किसी को कुछ पता बताइए इसके बारे में क्या है, और कोई रीजन बताइए। कौन बताएगा? नहीं, मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर जो है बीच में क्या हो जाता है कि निम्न दाब का बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, इसी वजह से यहाँ पर बनता है, बाकी जगहों पर बीच में जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं बन पाता है, यही मेन रीजन इसका है ना, इसको आपको ध्यान रखिएगा। कैलिपर्स क्या करते हैं, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ज्योग्राफी की मेरी अभी दो क्लास हुई है मैराथन में, एक हुई थी मेरी नॉर्थ इंडिया की रिवर सिस्टम और एक हुई है साउथ इंडिया की रिवर सिस्टम, और बाकी मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, ऐप पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं जो है, कल हम लोगों ने डिजर्ट पढ़े थे, विश्व के डिजर्ट पढ़े थे, और आज हम लोगों ने पढ़े थे वहाँ पे स्ट्रेट जल संधियाँ, विश्व की जल संधियाँ पढ़ी थी, तो वो आप क्लास में आकर के मेरे पढ़ सकते हो। एक मैप के द्वारा मैंने समझाया था बच्चों को कि एक ही वीडियो में जितनी जल संधियाँ होती हैं दुनिया में, एक ही वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रकार के आपके डिजर्ट होते दुनिया में सब पढ़ा दिए हैं, और सारे मैप के द्वारा, तो आपको भूलेंगे नहीं, तो मगर मैप से पढ़ते तो आपको चीज़ जल्दी आसान, जल्दी से आपको याद हो जाती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो उसको करेंगे तो जल्दी से आपको याद होगा। अगला आपका होता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर से क्या करते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल चेंजेस के साथ में जो हीट जनरेट होती है या हीट कैपेसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और ध्यान देनी है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपसे पूछ लेता है कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, कौन बताएगा? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कार्बोरेटर, तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल से चलने वाला
शिखा मालवीय जी ने वो लिखा है, मिनिमम दाब का क्षेत्र होता है उस कर्बंधीय में, इसी कारण चक्षु या आंख बनती है केंद्र में। बिल्कुल वही तो मैंने बताया आपको, है ना, मेन रीजन यही है इसका। सही है शिखा जी, बिल्कुल सही आपने बताया है, यही रीजन ही इसका है। तो कार्बोरेटर आपसे पूछेगा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल से चलने वाले जो संचालित जो इग्निशन इंजन होते हैं, कंबस्टन इंजन जो होते हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पर क्या होता है स्पार्किंग होती है, उसको कार्बोरेटर कहा जाता है। कारपेंटर नहीं, कार्बोरेटर आपसे पूछेगा, है ना, उसको जानेगा। अगला ध्यान रखिएगा, क्रायोमीटर क्या होता है, क्रायोमीटर क्या होता है। क्रायोमीटर ध्यान रखिएगा, निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास के ताप मापने को, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर को नापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको क्रायोमीटर कहा जाता है। क्रायोमीटर, क्रायो का मतलब ही क्या मतलब होता है, हिमशीतित। क्रायो का मतलब ही क्या होता है, हिमशीतित, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर, यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास किसी भी चीज को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर को, उसको क्रायोमीटर कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, डायनेमो, आपने नाम सुना होगा, डायनेमो या डायनेमोमीटर आपने सुना होगा। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला यंत्र होता है, और इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं। और डायनेमोमीटर से क्या कर, ये तो हो गया डायनेमो। अगर आप डायनेमो क्या होता तो क्या कहोगे, वो यंत्र जो मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, वो डायनेमो कहलाता है। और ये जो होता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज किया जाता है। और डायनेमोमीटर क्या होता है, इंजन के पावर के आउटपुट को मेजर करता है, इंजन के पावर के आउटपुट को मेजर करने वाला जो है ये यंत्र होता है डायनेमोमीटर। इसको आपको ध्यान रखिएगा। और एक आपने और सुना होगा, डेनियल सेल का नाम सुना होगा, एक लैकलांसी सेल आप पढ़ते हैं और एक कौन सा पढ़ते हैं आप लोग, जीतू शुक्ल साहब नमस्कार है आपका, डेनियल सेल, इसके बारे में कुछ पता है आपको, डेनियल सेल क्या होता है, कौन बताएगा डेनियल सेल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, डेनियल सेल वे होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करंट देने वाला जो उपकरण होता है उसको डेनियल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डीसी और आपका देखते होंगे एक एसी होता है एक डीसी होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करंट देने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेनियल सेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अगला आपका है साइक्लोट्रोन, आपसे पूछ सकता है कि साइक्लोट्रोन क्या होते हैं। हाँ बेटा, साइक्लोट्रोन क्या होता है, साइक्लोट्रोन क्या होता है, ये देखिए साइक्लोन से नहीं बना है, इसको याद, इसको मत करिएगा। ये क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कौन से आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनको त्वरित करने वाले यानी कि इनको एक्सिलरेट करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सिलरेट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइक्लोट्रॉन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की को त्वरित कर देते हैं उसको क्या कह देते हैं, डेनियल सेल में
जी बिल्कुल। तो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है ये, साइक्लोट्रॉन क्या कर देता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि इसको एक्सीलरेट कर देता है। और इससे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं साइटोट्रॉन से। साइटोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज जाते हैं, अगर आ गया कि साइटोट्रॉन क्या है और साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन वो यंत्र है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को त्वरित कर देता है, जबकि साइटोट्रॉन क्या है, ये आर्टिफिशियल वेदर उत्पन्न करने वाला यंत्र है, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होता है, साइटोट्रॉन होता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होता है, साइटोट्रॉन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, साइटोट्रॉन। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, साइटोट्रॉन होता है, साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन होता है, साइटोट्रॉन। एक चरम होगा आपको याद रखना है, फैदोमीटर क्या होता है, फैदोमीटर क्या होता है। तो चाहे नदी हो या समुद्र हो कि गहराई को मापने के लिए, नदी या समुद्र की गहराई को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैदोमीटर कहते हैं। अगला आपसे पूछ सकता है, गायरोस्कोप क्या होता है, गायरोस्कोप का यूज कहाँ करते हैं, गायरोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा, रोटेशनल मोशन करने वाले, रोटेशनल मोशन को मापने वाला जो यंत्र होता है, रोटेशनल मोशन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, गायरोस्कोप कहते हैं। बिल्कुल, फैदम में गहराई मापते हैं, फैदम में गहराई मापते हैं। गायरोस्कोप जो होता है वो रोटेशन मोटर मोशन होता है, जो घूर्णन गति होती है उसको ज्ञात करते हैं, किससे, गायरोस्कोप से ज्ञात किया जाता है। और एक टर्म आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेवी मीटर मतलब क्या होता है, सब्जी का जो रसा होता है उसको क्या कहते हैं, तरी जो होती है उसको ग्रेवी कहते हो, है ना, सब्जी की तरी को क्या कहते हो, ग्रेवी कह देते हो। तो याद रखिएगा, पानी में तेल की मात्रा को माप करने के लिए, पानी में तेल की मात्रा को माप करने के लिए, पानी में तेल की मात्रा को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रोटेशन मोशन को मापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज करते हैं, गायरोस्कोप का। रोटेशन मोशन क्या होता है, रोटेशन मतलब क्या होता है, घूर्णन गति जो करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो घास काटने वाली जो मशीन होती है, घास काटने वाली मशीन क्या होती है, रोलिंग टाइप में क्या करती है, वो रोल करती है, वो कैसी हो गई आपकी, वो घूर्णन गति हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो चक्की वगैरह होती है, चक्की वगैरह जहाँ पे गांव में, जहाँ पे पहले जो है वो आटा गेहूं वगैरह पीसते थे, गांव में इसे चक्की लगी होती थी, इसको महिलाएं घुमाती थी, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये रोटेशन मोशन में आ रहा है, ये इस तरह की गति जो होती है वो रोटेशन मोशन में हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगली चीज जो आपको यहाँ पे जाननी है वो आपका है हाइड्रोमीटर। तो बता दिया हमने हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर जो होता है ये याद रखा, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ये मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में आर्द्रता की माप की जाती है, कितना मॉइस्चर है उसको हम किसमें मापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। अच्छा, घर में चक्की है अभी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा,
कि हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता को नापते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है हेप्सोमीटर, क्या होता है हेप्सोमीटर, तो हेप्सोमीटर के द्वारा भी हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। हेप्सोमीटर के द्वारा हम लोग किसको नापते हैं, ऊंचाई को नापते हैं। और नेक्स्ट आपका है लैक्टोमीटर, ये आपने देखा ही होगा, लैक्टोमीटर तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क की प्योरिटी को मापा जाता है। मिल्क की प्योरिटी को हम लोग किसमें मापते हैं, हम लोग मिल्क की प्योरिटी को लैक्टोमीटर से मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की चुंबकीय गुणों को हम लोग किसमें नापते हैं, मैग्नेटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और नेफ्लोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, नेफ्लोमीटर क्या होता है, नेफ्लोमीटर में हम लोग क्या नापते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड और गैस सॉलिड, लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स लिक्विड में हैं या गैस कोलाइड में हैं, उनको मापने के लिए हम लोग नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं। नेफ्लोमीटर का यूज किया जाता है गैस कोलाइडल में या लिक्विड पार्टिकल में, सस्पेंडेड पार्टिकल को हम लोग मापने के लिए नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछ सकता है। ओम मीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए, ओम मीटर जो होता है रेजिस्टेंस को मापने के लिए, प्रतिरोधकता को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर का यूज करते हैं। और ओंडोमीटर क्या होता है, ओंडोमीटर का यूज हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आई नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कौन सा बेटा गैलेक्सी, कौन सा क्वेश्चन, एक बार फिर से बताइएगा फिर हम बताएं आपको, कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे थे, नेफ्लोमीटर वाला, नेफ्लोमीटर वाला समझ नहीं आया है, कौन समझ नहीं आया, मैं बता दूं आपको फिर से, अच्छा नेफ्लोमीटर, तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, अच्छा है कि आपने पूछ लिया। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, देखो जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना, एक आपका होता है ट्रू सॉल्यूशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक आपका होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, और एक आपका होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन होता है आपका, है ना। कोलाइडल आपके जो होते हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है कि जिसमें सोल्यूट का साइज एक नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। कोलाइडल में क्या होता है, सोल्यूट का साइज एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, और सस्पेंडेड में क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई लिक्विड अगर है, वो कोलाइडल की बात की जा रही है, कोलाइडल में क्या है, कोई लिक्विड है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज किसी लिक्विड में या किसी गैस में सस्पेंडेड है, लिक्विड में या गैस में अगर वो सस्पेंडेड है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं, उसको हम लोग मेजर करने के लिए। यानी कि एक अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है या गैस है और उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इस लिक्विड में मेजर किससे किया जाता है, नेफ्लोमीटर से यूज किया जाता है। अभी समझ नहीं आया कि आ गया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा कि शुरू से केमिस्ट्री आपको पढ़ानी पड़ेगी। बताइएगा
तो लाइक्स आप लोग बढ़ा लीजिए, लाइक्स कर दीजिए, 25 तो कम से कम कर ही दीजिए, 23 लाइक्स हो गए हैं, दो लोग और कर दे लाइक्स, 25 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहां पर, इसके बाद कुछ चीजें आपसे और पूछ सकता है, जैसे मान लो आपसे पूछता है फोटोमीटर क्या होता है। फोटोमीटर, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किससे मेजर किया जाता है, फोटोमीटर से यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, और एक और ध्यान रखिएगा आप, पिकनोमीटर क्या होता है। पिकनोमीटर, पिकनोमीटर जो होता है ये डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करता है। पिकनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की डेंसिटी को मेजर किया जाता है पिकनोमीटर से। इसको आपको ध्यान रखना है। पी से याद आ गया, एक शब्द और होता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर तो इसका मतलब क्या होता है, कोई कोई सुदूर, कोई बहुत दूरी पर कोई वस्तु रखी है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, कोई बहुत दूरी पे वस्तु रखी है और वो वस्तु बहुत गर्म है। जैसे सरफेस देखते हैं, सूर्य का सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है ना, और बहुत दूरी पे हमारे है। तो कोई भी वस्तु बहुत दूरी पर है और बहुत उच्च तापमान वाला है, उसके तापमान को ज्ञात करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो पायरोमीटर का यूज जो है अति गर्म, बहुत ही गर्म यानी कि बहुत अत्यधिक तापमान वाले दूर रखी हुई वस्तुओं के तापमान को मेजर किया जाता है। जैसे आपका सूर्य हो गया, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, इन सबको मेजर करने के, तापमान को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। ये एग्जाम में आपके यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि पायरोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। पी से याद आ गया, एक होता है पॉलीग्राफ होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पी से एक और चीज याद आ गई, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। पॉलीग्राफ क्या होता है, कौन बताएगा पॉलीग्राफ क्या होता है? ये लाई डिटेक्टर होता है, झूठ पकड़ने वाला यंत्र होता है। लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ कहते हैं। झूठ पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, पॉलीग्राफ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसमें झूठ को पकड़ा जाता है। और पॉलीग्राफ, पी से एक और याद आ गया हमको, पेरिस्कोप हमको याद आ गया, वो भी याद रखिए। पेरिस्कोप क्या होता है, कौन बताएगा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि जो लोग पानी के अंदर से रहते हैं, सबमराइन वगैरह में, पानी के अंदर, नार्को नहीं होता है, नार्को तो अलग चीज होती है, नार्को तो नार्कोटिक्स वाले करते हैं, वो अलग है, ये पॉलीग्राफ है, ये यंत्र होता है। पेरिस्कोप में क्या करते हैं, पानी के अंदर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई यंत्र में हम बैठा हुआ इंसान, और वो बाहर देखना चाहता है, तो ये क्या होता है, 45 डिग्री पे यहाँ पर समतल दर्पण लगे होते हैं, ये लाइट यहाँ पे पड़ती है, फिर 40 डिग्री पे यहाँ पड़ती है, फिर यहाँ बैठा व्यक्ति इसको देख सकता है। तो 40 डिग्री पर लेंसों को लगा करके पानी के अंदर या बंकर में से बाहर की चीजों को देखने के लिए, या 90 डिग्री पर अगर कोई वस्तुओं को देखने के लिए जो है वो गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव, कौन सा बेटा, कौन सा समझ में नहीं आया, पेरिस्कोप समझ में नहीं आया, पेरिस्कोप या लाइट डिटेक्टर, वो या आपका कौन सा लाइट डिटेक्टर, कौन समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया बात है, गैलेक्सी देखिए ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, सब नया तो पूछ लेते हैं, ये चीज होनी चाहिए है ना, इससे टीचर भी लगे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो। नहीं बेटा, सोनार नहीं होता है, सोनार में तो क्या होता है, समझ बहुत अच्छा आपके लिए, आपने प्रश्न कर लिया, सोनार यहाँ पे नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोनार क्या होता है,
साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है सोनार। यानी इसमें हम क्या करते हैं, साउंड वेव का यूज करते हैं, ये अलग चीज हो जाती है। लेकिन पेरिस्कोप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंकर है, मान लो ये क्या है, कोई बंकर है, इस बंकर में कोई व्यक्ति छुपा बैठा हुआ है अंदर की तरफ यहाँ पर, और वो बाहर की चीज देखना चाहता है, तो क्या होगा, बाहर क्या होगा, एक लेंस लगा होगा और उसी के 40 डिग्री पर क्या होगा, अंदर एक लेंस लगा होगा। ये इमेज जो बाहर की चीजों की चीज इमेज यहाँ पे पड़ेगी, फिर उसकी जो होगी इमेज इस पे, इस लेंस पे पड़ेगी, और यहाँ व्यक्ति जो बैठा होगा वो इसके देख करके बाहर की चीजों को समझ लेता है। तो ये जो यंत्र लगाया गया है, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। सोनार, तो सोनार जो होता है ये, इसमें हम लोग साउंड वेव का यूज करते हैं, और राडार में क्या करते हैं, रेडियो, रेडियो वेव का यूज करते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो अलग चीज हो जाती है। तो इसमें तो हम लोग तरंगों का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंस का यूज करते हैं। पेरिस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। पेरिस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। बहुत बढ़िया गैलेक्सी जी, स्वागत है आपका। जम्मू में बंकर नहीं बने हैं, जम्मू में बंकर क्यों बनेंगे, बॉर्डर पे बने हुए हैं, जम्मू में क्यों बनेंगे, जम्मू में नहीं बने हैं बंकर, बंकर बॉर्डर पे बनते हैं, बॉर्डर पे, सीमा पे बनाए जाते हैं। पायरोमीटर हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जीतू शुक्ला जी, एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू जीतू जी, बहुत बढ़िया। अगला है राडार, डिटरमाइन द रेंज एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, उसके कोण को, उसके रेंज को डिटरमाइन करने का काम करता है, और इसमें जो है वो रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। और इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछो, ध्यान रखिएगा, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रेडियो, अभी इसमें भी आपको बताना, अगली क्लास बताएंगे आपको, आज तो समय बचा नहीं है, ये आपको सारी चीजें बतानी थी। ये चीजें ADS का फुल फॉर्म, AIDS का, AMU का, AVAX का, बेसिक का, BCG, BTU, ये सब आपके एग्जाम में, CCTB, CFC, CNG, CNS, CRO, CRT, DDT, DNA, IMF, FVTR, इन सबके आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए थे। ICU, लेजर क्या होता है, LCD, LED, LNG, LORAN क्या होता है, LPG, मेजर क्या होता है, PVC क्या होता है, रडार क्या होता है, RNA, SARS, सोनार, स्टार, STP, TB, TFT और TNT, इन सब चीजों को आपको समझना था। एरोप्लेन में कौन बाहर, पैसेंजर या जो उसके जो क्रू मेंबर होते हैं वो, कौन, पैसेंजर की बात कर रहे हैं या क्रू मेंबर की बात कर रहे हैं? अब एरोप्लेन में जो चला रहा है वो सड़क थोड़ी देखेगा कि सामने सड़क है कि नहीं है, उसको सामने देखे क्या 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 मतलब, उसके स्क्रीन पे जो चीजें आती हैं वही वो उसको देख के चलाता है वो। ये थोड़ी देखा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। रडार का यूज जो होता है, आपके जो जैसे आपका किसी भी एक तो नेचुरली अगर देखा जाए तो नेचुरली जो होते चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ बैट, वो रडार टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, अपने भोजन को या अपने शत्रु से बचने का काम करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं, उससे डिटेक्ट कर लेते हैं। और रडार का यूज जो होता है वो आपके जो मिसाइल वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, आपके जो क्या कहते हैं जो
दुश्मन देशों के जो पनडुब्बियां हैं या उनके जो आपके वारहेड हैं, वारशिप हैं, उन सबको डिट करने के लिए राडार का हम लोग यूज करते हैं। कितनी दूरी पे कोई चीज है, कितनी दूरी पर है वो, किस तरफ से आ रहा है, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, राडार का यूज करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके अब स्टील टेक्नोलॉजी आ गई है। स्टील टेक्नोलॉजी, अगर आपसे पूछे कि स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो स्टील टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी राडार के डिटेक्शन में नहीं आएगी। वो इस मटेरियल से बनाया जाता है उसको कि वो राडार के अंतर्गत नहीं आती है। हमारे जो नए वर्जन बन रहे हैं पनडुब्बी सबमराइन के और आपके जो बन रहे हैं ये वारशिप के, ये सब बनाए जा रहे हैं स्टील टेक्नोलॉजी से, बनाए जा रहे हैं स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील्थ कहते हैं उसको, स्टील्थ। तो ये पूछ सकता है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कोई भी यंत्र हमारा जो है किसी भी राडार के संपर्क में नहीं आता है, उसको कहा जाता है स्टील्थ कहते हैं। बिल्कुल, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे, कल 2 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। कल संडे है, सुबह वाली क्लास मेरी नहीं होगी, और मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। तो तब तक के नमस्कार, मंडे को हम लोग मिलेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के साथ और कल हम लोग मिलेंगे 2 बजे टर्मिनोलॉजी के साथ, जो मेंस की टर्मिनोलॉजी होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, सैटेलाइट में भी रडार का यूज होता है, सैटेलाइट रडार का यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी बताइए बताइए गैलेक्सी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे। बाय, नमस्कार, गुड डे, गुड नाइट।